अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हेयर मीट विद इशिया बेद। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बेहद मज़े में होंगे। ओके जी, आज ये मेरा फर्स्ट व्लॉग भी है और मैं वीडियो किन के लिए बनाने जा रही हूँ। मैं बना रही हूँ उन ख़वातीन के लिए, उन यंगस्टर गर्ल्स के लिए और उन प्यारी प्यारी लड़कियों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा शौक है कि वो सैलून की सर्विस लें। और बहुत सारी ख़वातीन जो फर्स्ट टाइम जाती हैं उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि हम लोग सैलून किस लिए जा रहे हैं और क्या हमें सैलून पर जाकर अच्छी सर्विस मिलेगी या नहीं, या इसके अलावा जो है उनको डाउट होता है कि हम लोग जो हैं वो हमें ये सर्विस लेनी चाहिए कि नहीं। कंप्लीट डिटेल जो है आज मैं आप लोगों को इस व्लॉग में बताने जा रही हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। और सबसे पहले हम लोग अब डिस्कशन यहाँ पर करेंगे अपनी ड्रेसिंग की कि जब हमें सैलून जाना चाहिए तो हमें किस टाइप की ड्रेसिंग करनी चाहिए और जो है वो हमें क्या चीज़ सूट करेगी क्या नहीं। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ड्रेसिंग के मैं किस हिसाब से सैलून जाती हूँ। यहाँ पर जो है वो मैंने पहना है टी शर्ट। टी शर्ट के साथ में मैंने पहनी है अपनी टाइट्स। टी शर्ट किस लिए पहनी है, ताकि थोड़ी खुली होती है और इसके अलावा जो है वो लाइट कलर में इसीलिए चूज़ किया। ऊपर से अब मैं लोगों को, जिन लेडीज़ को अलाउ नहीं होता कि वो लोग इस तरह की सिचुएशन में जाएँ तो वो पहन सकती हैं गाउन, जैसे कि मैंने पहना है। ओके जी, हम पहुँच चुके हैं सैलून हदीका कैनिक सैलून, मैंने चूज़ किया। यहाँ पर मैं अपनी कम्प्लीट सर्विस दे रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छा जो है वो यहाँ का मैंने स्टाफ मेम्बर और साथ की डील्स देखी हैं। लिफ्ट के अंदर बैठते ही सबसे पहले हम उतरेंगे और हम लोग जाएंगे काउंटर पर। सैलून में एंटर होते ही बहुत वार्म वेलकम हुआ और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ डील्स। अगर आप लोगों को डील में से सिलेक्शन करनी है तो आप डील भी ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर रेट लिस्ट लगी हुई है, इसमें से कुछ भी आपने चूज़ करना है तो वो भी चूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने यहाँ पर चूज़ की है डील क्योंकि वो मेरे मुताबिक थी, जिसके अंदर जो है वो मैंने ये देखें डील 6 ले रही हूँ, जिसमें फेशियल भी और साथ में मैनीक्योर पेडीक्योर भी। तो इस तरह से मैंने डील ली है और मैं अब अपनी स्टार्ट करवाने वाली हूँ अपनी सर्विसेज। आफ्टर 5 to 8 मिनट के बाद में सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ सैलून का एरिया, जो कि बहुत खूबसूरत भी बना हुआ है और बहुत ही दिलकश भी है। अपनी सर्विस लेने तो हम लोगों ने चूज़ किया है लिफ्ट में 3rd फ्लोर, जिसके ऊपर हम लोग करवाएंगे फेशियल। ये मैं पहुँच चुकी हूँ फेशियल एरिया के अंदर। लाइट्स यहाँ पर इसलिए लेस है, यानी कि लेस अमाउंट में है, ताकि जो ये फेशियल एरिया, और यहाँ पर बहुत खामोशी होती है। आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी शोर की ना तो परमिशन होती है और ना ही यहाँ पर आप शोर कर सकते हो, तो इसलिए जो है वो बहुत खामोशी के अंदर आप लोगों को लेना होता है फेशियल। और ये मेरा रहा रूम, बहुत नाइस और बहुत सॉफ्ट लाइट में था। और मैं अब आप लोगों को लाइट ऑन करके भी दिखाती हूँ, ताकि जो है वो आप लोगों को थोड़ा पता लग सके। ओके जी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो सीन क्या है कि मैं ले रही हूँ फेशियल कौन से वाला, कंपनी है गिनोट। और यहाँ पर जो है ये एक बहुत ही आउट क्लास किस्म का जो है वो मैंने फेशियल लिया है, जो ब्रांड का है और बहुत अच्छा है। अब मैंने इसका टोटल बजट कितना था, ये टोटल अमाउंट थी इसकी 4000, लेकिन एज अ ऑनर आपको वो लोग थोड़ा लेस भी करते हैं। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लेस ले रहे हो। तो जिस तरह से उन्होंने मुझे 500 थोड़ा सा लेस कर दिया था। ओके जी, नंबर वाइज यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने 1 नंबर है वो है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग के बाद में मैंने उठाया है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के बाद में हमें यहाँ पर लेना है एक टोनर, यानी कि जो टोनिंग करेगा बाद में। और इसके अलावा जो ये है मसाज। मसाज के बाद में लास्ट स्टेप आता है मास्क का, तो उसके बाद में सीरम भी ऐड होगा, लेकिन वो नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। ओके जी, सर्विस लेने के लिए मैं लेट चुकी हूँ। और देन जो है मैंने सबसे पहले अपने सर पर लगा लिया है बैंड। इस तरह से सारे बाल आपको कवर कर देंगे। कवर करने के साथ में आपको पहनना होगा गाउन। ओके जी, सबसे पहले मेरे फेस पर अप्लाई की जा रही है वैसलीन। वैसलीन के बाद में अप्लाई किया जाता है 15 मिनट्स के लिए पॉलिशर, जिसको बोलते हैं। आप इसको सेपरेट भी ले सकते हो। इस तरह से जो है आपके फेस के ऊपर और आपकी नेक को कवर कर देते हैं
पॉलिशर के साथ में। पॉलिशर कुछ इस तरह से होता है और आप लोगों ने पूरा अप्लाई करवा लेना होता है अपने फेस के ऊपर। 15 मिनट्स का जो है वो पॉलिशर होता है, अपने पूरे स्किन के ऊपर आप लोगों ने इसको अप्लाई करवाना होता है। पॉलिशर के लिए ज़रूरी है कि आप लोग जो है अपने डार्क सर्कल्स वाला एरिया यानी कि आईज़ के नीचे वाला का एरिया उसको और जितने भी हेयर्स होते हैं यानी कि आईब्रो के हेयर जो है इसको छोड़कर बाकी सारे एरिया में लगवा सकते हैं। तो 12 टू 15 मिनट्स रिमूव किया जाता है आप लोगों का पॉलिशर। जी पॉलिशर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं, जो यहाँ पर आपके होते हैं कुछ हेयर्स इनको अगर आप लोगों ने ब्राउन यानी कि वाइट करवाना है तो आप इसको करवा सकते हैं, अदरवाइज आप पॉलिशर जल्दी उतरवा लें। यहाँ पर हो चुकी है क्लेंजिंग स्टार्ट। ओके जी, आप प्रोसेस देख सकते हैं किस तरह से बहुत लाइट हैंड होता है और लाइट हैंड रखवाना भी होता है। अगर किसी को अननोन आपको नहीं पता लग रहा तो वो सॉफ्ट हैंड ही रखेगी और इस तरह से आपकी जेंटली जो है वो क्लेंजिंग हो रही होगी। सेम यही प्रोसीजर है, आप लोग देखते जाएँ और इसको नोटिस करते जाएँ। क्लेंजिंग के बारे में बताती चलो, क्लेंजिंग क्यों मस्ट होती है। क्लेंजिंग उनके लिए बेस्ट होती है जिनके बहुत ज़्यादा जो है वो डस्ट होती है यानी कि पाकिस्तान में रहते हो डस्ट ऑटोमेटिकली आपकी स्किन के ऊपर आ जाती है, इसलिए जो है वो क्लेंजिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लेंजिंग से जितना भी होता है स्किन नीट होती है, रफनेस ख़त्म हो जाती है, इसलिए जो है क्लेंजिंग मस्ट है। ओके जी, आफ्टर रिमूविंग क्लेंजिंग को रिमूव करते ही जो है वो बहुत ही सॉफ्ट इफेक्ट आया और साथ में स्टीमर साथ ही ऑन हो चुका है। ओके जी, अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ जो कि है स्क्रबिंग। अब मेरे फेस पर जो है स्क्रबिंग की जा रही है जो कि 8 मिनट तकरीबन की गई है। जितनी भी डेड स्किन है आपकी, डस्ट पार्टिकल्स हैं जो आप लोगों की स्किन जो है वो जिस जो अंदर पेनिट्रेशन हुई हुई है डस्ट की है, इस तरह के डिफरेंट डेड मटेरियल की, वो सब रिमूव होंगे किसके साथ में, स्क्रबिंग के साथ में। तो इस तरह से जेंटली जो है स्क्रब किया जा रहा है, बहुत लाइट हैंड से किया जा रहा है, ऊपर से स्टीम जो है वो ऑन है। स्टीम जो है वो तकरीबन 1.5 मिनट इनफ होगा मेरी स्किन के लिए। ओके जी, स्क्रबिंग को रिमूव करने के फौरन बाद ही अब यहाँ पर हम लोग करेंगे वाइट सेल को रिमूव, जो कि हम लोग कर रहे हैं सकर से। सकर क्यों अप्लाई हो रहा है ये अब आप लोगों को साथ ही वो लेडी बताएंगी जो मेरा कर रही है इस टाइम। अच्छा बुशरा जी, बताइएगा इससे ब्लैक हेड्स की ज़्यादा अच्छे से रिमूविंग होती है या पिन से, हमें कौन सी यूज़ करनी चाहिए? जो वाइट हेड है ना वो इससे रिमूव होते हैं और जो ब्लैक हेड है ना वो पिन से ही अच्छे तरीके से निकलते हैं। ठीक है, ओके। ओके, आफ्टर रिमूविंग ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स वी विल यूज़ टोनर। ओके, यहाँ पर ये यूज़ करी है अब टोनर मेरे फेस के ऊपर ताकि जो है वो कूल डाउन स्किन हो सके, ताकि रिफ़्रेश हो सके और जितना भी है एरिया जो है वो कवरेज कर सके, जो हमारे पोर्स ओपन हुए हैं उसको नॉर्मल कर सके। ओके, अब यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है मसाज। ओके जी, एक इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ, जितने भी ब्लॉगर्स हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, वो सब लोग जो हैं लाजमी जो है वो एक सैलून का विज़िट हर मंथ में ज़रूर लेते हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़रूर लें, लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं करते वो उनके लिए जो है वो लेस अमाउंट में डील्स होती हैं, वो उनको चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर लें। अब मसाज यहाँ पर हो रही है, मसाज का मकसद क्या है? एक तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होने से ग्लोइंग जो है वो फेस के ऊपर रिफ़्रेशमेंट आती है, ग्लोइंग फेस लगता है। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हम लोगों को मसाज मस्ट होती है। आप खुद जितनी भी देर अपने हाथ से करते रहो, लेकिन आप लोगों को मंथ के अंदर एक ऐसा सीक्वेंस ज़रूर रखना होता है जिसके अंदर जो है वो आप दूसरे के हाथ से रिलैक्स हो सको, इसलिए जो है वो सैलून की सर्विस मेरे लिए तो बहुत बेस्ट है। इसीलिए आप लोग भी अपने बजट के अंदर रहते हुए सैलून सर्विस यानी कि आप लोग फेशियल्स ले सकते हो। और यहाँ पर ये देखें, इस तरह से लाइट हैंड से मसाज की जाती है,
ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि प्रॉपर बॉडी रिलैक्स होती है, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा वर्क करता है। इस तरह से जितने भी मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ ये मस्ट हैं, इसीलिए आप लोग अपनी रूटीन के अंदर शामिल कर लें अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग स्किन अच्छी रहे। और जिस तरीके से ये स्किन का मेरा फेशियल कर रही है इससे ये चीज़ वाजह हो रही है कि मेरी स्किन जो है वो टाइट भी हो रही है, यानी कि जो लोग बहुत जल्दी जो है वो बुढ़ापे की तरफ आ जाते हैं उनकी स्किन ढिलकना शुरू होती है। इस तरह से जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि स्किन जो है वो रिफ़्रेश होने के साथ साथ यंग यानी कि थोड़ी सी टाइट भी होती है। आफ्टर मसाज यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अब यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है मेरे फेस पर मास्क। मास्क डिफरेंट किस्म के होते हैं, हर फेशियल का क्राइटेरिया और होता है, हर डिफरेंट फेशियल के डिफरेंट मास्क होते हैं। और मास्क क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों लगाया जाता है, मास्क लगाने की रीज़न ये होती है कि जितने भी हमारे जो है वो पोर्स ओपन हो चुके हैं वो एंड पर लॉक हो जाते हैं, स्किन जो है वो कूल डाउन हो जाती है, डिफरेंट जो है वो जितनी भी अंदर चेंजेस आ रही होती हैं स्किन की वो सब जो है वो इससे कवर हो जाती हैं। इसलिए जो है वो लास्ट पर मास्क अप्लाई किया जाता है ताकि पोर्स ओपन जितना भी स्किन नीट हो चुकी है वो सब अंदर ही लॉक हो जाए, इस वजह से मास्क को भी मस्ट अप्लाई करवाना चाहिए। मिश्रा जी बहुत अच्छा फेशियल किया आपने, थैंक यू सो मच, बहुत ही अमेजिंग था। और जिन लोगों ने ट्राई करना है वो लोग यहाँ से ज़रूर करें, और ख़ास तौर पे जो है ना बुशरा का नाम लेकर जो है आप लोग ज़रूर फेशियल करवा सकते हैं। आप ना 2 घंटे अपना फेस पानी से वॉश नहीं करना, ठीक है, बाद में डन। ओके जी, लास्ट पर मैंने अप्लाई करवाया है सिरम। सिरम हर फेशियल के साथ में नहीं होता, लेकिन अगर इसके साथ मौजूद है तो वो मुझे दे रहे हैं सिरम। अगर आप लोगों ने वो फेशियल करवाया जिसमें सिरम मौजूद होगा तो बहुत अच्छा है। ओके जी, आफ्टर फेशियल ग्लो चेक कर सकते हैं, बहुत आउटक्लास जो था वो इसका फेशियल का इफेक्ट था। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट जो 2 पार्ट है वो आएगा मैनीक्योर पेडिक्योर के, इसलिए जो है वो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग पार्ट 2 इस वीडियो का देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, देन मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी मैनीक्योर पेडिक्योर की वीडियो फिर से लेकर आऊँगी। ओके, अपना बहुत सारा रखे ख्याल, दुआ में याद रखेगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।